कोरोना महामारी की दो लहर के कोहराम मचाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आने को है, जिसके मद्देनजर सरकार किसी किस्म की कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर तैयारियां कर ली गई है। 108 से लेकर तमाम तरह के स्टाफ को ट्रेनिंग और तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल से लेकर अभी तक कोरोना के कारण लाखों मौतें देश में हो चुकी है। लाखों लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने बताया कि किस तरह से वो तीसरी लहर से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। हमारे उत्तराखंड में जो हमारा ब्लॉक है, जिला हरिद्वार में भगवानपुर, यहाँ हमारी काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं और मैं यही दुआ करूँगा कि वो वेव ना ही आए, लेकिन अगर आती है तो हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो यहाँ CDO साहब के अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई जिसमें हमारे ऑक्सीजन प्लांट को पास किया गया। तो जो यहाँ भगवानपुर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्लांट दिया जा रहा है, जिसमें से आधा काम हो भी चुका है। हमारी जो सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो हमारी CSC में डल चुकी है, हमारी 108 में भी संख्या में बढ़ोतरी हुई और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना के मरीजों को दूर दराज के इलाकों से अस्पताल तक लाने और ले जाने के लिए 108 की अहम भूमिका रहती है। पिछले बार की तरह इस बार किसी किस्म की असुविधा मरीज या मरीज के परिजनों को न हो, इसके लिए बेहतर तरीके से विभाग द्वारा खास ट्रेनिंग दी गई है। रवि सर में पूरा ट्रेनिंग दी गई है कोविड 3rd वेव के लिए, और हमें बताया गया है सारा बच्चों के बारे में कि आगे आने फ्यूचर में आने वाली जो भी बीमारी है किस तरीके से इससे लड़ना है, कैसे बच्चों को इससे सुरक्षित करना है, हमें कैसे उनको हॉस्पिटलाइज करना है, सब चीज़ हमें ट्रेनिंग में सिखाई गई है। तीसरी लहर जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग 108 जो सेवा है बिल्कुल अलर्ट है, तत्पर है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे जितने भी स्टाफ हैं हमने सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दे रखी है। जैसे छोटा बच्चा होगा तो अगर उसे कोविड से हमें उसे कैसे बचाना है, लेके जा रहे अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसे कैसे मेंटेन करना है, या घटा हुआ है तो उसे कैसे मेंटेन करना है, अगर ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता है तो ऑक्सीजन लेवल उसका कैसे हमें अप करना है, अगर बच्चे को CPR से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी सारी टेक्निक जो है हम लोगों ने सारे स्टाफ को 108 के जितना भी स्टाफ है उत्तराखंड में प्रॉपर तरीके से दे रखा है। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।